अभी ये दादा बोल रहे थे कि मेरा कॉन्स्टिट्यूएंसी में मुसलमान है क्या, मेरे कॉन्स्टिट्यूएंसी में बहुत मुसलमान वोटर है। सो गए, बताइए सो गए। इसलिए मैंने कहा ना दादा, आप हर समय मत बोलिए, नींद आ जाएगा आपको। सर थक जाते हैं हम लोग। सर जो महत्वपूर्ण बात मैं कहना चाहता हूँ, सर मैं कोई स्पीच हो तो फिर सो जाओ क्या सदन में? चेक कर लेंगे। ब्रदर पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन हमारे लिए जरूरी है। उसको निकाल दीजिए सर, मैं इसको देख लूंगा, कार्रवाई से हटा दूंगा। और आप पढ़ रहे थे, किताब पढ़ रहे थे, मैं क्या कर सकता हूँ? मैंने उसको कार्रवाई से हटा दिया है, प्लीज। हो गया। सर मैं पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन के बारे में कहना चाहता हूँ। हम सबका कॉन्स्टिट्यूएंसी में हिंदू भी हो सकता है, मुसलमान हो सकता है, क्रिश्चियन हो सकता है, बौद्ध हो सकते हैं, पारसी सिख सब हो सकते हैं। इसलिए मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट को किसी भी धर्म से जोड़ना सही नहीं है। हमने ये नहीं कहा कि वक्फ बोर्ड में इस धर्म को लेके आना चाहिए, हम नहीं कह रहे। हम ये कह रहे मेंबर ऑफ पार्लियामेंट वहाँ मेंबर होना चाहिए। अब वो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट अगर हिंदू है या अगर क्रिश्चियन है तो हम क्या कर सकते हैं? अगर किसी कॉन्स्टिट्यूएंसी से किसी एमपी को भेज दिया बाय वर्च्यू ऑफ बीइंग मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, अगर वो बोर्ड में मेंबर होता है तो क्या हम उसको चेंज कर देना चाहिए उसके धर्म को? ये एक बेसिक बात है सर। इसलिए सर ये बिना मतलब का ये इशू उठा रहे सर। उसके बाद सर अब मैं सर बोर्ड को अच्छा से चलाने के लिए वहाँ टैलेंटेड लोग चाहिए, जानकारी लोग चाहिए। ऐसे किसी को आप उठा करके किसी वक्त में मेंबर नहीं बना सकते हैं सर। इसके लिए जो रिकमेंडेशन हमको मिला है, हर कमिटी और जो जेपीसी से भी रिकमेंडेशन मिला है, मैं उसी को बता रहा हूँ। डाइवर्सिफाइड टैलेंट पूल, एडमिनिस्ट्रेटिव स्किल वाला जो जिसका अच्छा नॉलेज है, ऐसे लोगों को हम लोग बोर्ड में लाना चाहिए। अच्छे ऑफिसर्स को वक्फ बोर्ड को मैनेज करने के लिए उनको ऑफिसर के हिसाब से वहाँ नियुक्त होना चाहिए। ये सब बातें हमने रखा है, ये सारा आपका रिकमेंडेशन है। हम बार बार आपको बता रहे हैं, याद दिला रहे हैं, आपका रिकमेंडेशन है, इम्प्लीमेंट हम कर रहे हैं। आपको समझ में नहीं आ रहा है? और सर खास करके जो बच्चे और महिलाओं के लिए हमने काफ़ी ध्यान रखा है, ताकि कल को ये एक्ट पास हो जाने के बाद कोई मुसलमान बच्चे या महिला किसी तरीके से उनको इंसाफ मिलने से वंचित रह जाए, ऐसा नहीं होना चाहिए। इसके लिए ठोस प्रावधान हम लोगों ने यहाँ रखा गया है। और सारा जो वक्फ प्रॉपर्टी का जो भी जो प्रोसीड्स है, जो भी उसका इनकम होगा, ये सिर्फ मुसलमान कम्युनिटी का वेलफेयर के लिए ही खर्चा होगा। और हम चाहते हैं जब मुसलमान समुदाय को हम लाभ पहुंचाना चाहते हैं तो हम खास करके गरीब मुसलमान महिलाओं के लिए जो बैकवर्ड है उनके लिए हम कह रहे हैं।
आप लोग का हाथ छोड़ेंगे तो आप लोग तो कभी भी इनको कोई मदद देने वाला नहीं है इतने सालों तक, इसलिए हमको ये प्रावधान करना पड़ रहा है। अंत में सर, आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने जो स्लोगन दिया है, हमारे एक मंत्र इस सरकार का है, सबका साथ सबका विकास। और ये कह रहे हैं कि मैं मुसलमान नहीं हूं, इसलिए इस बिल में मैं मुझे नहीं बोलना चाहिए। ये तो बहुत आपत्तिजनक वाला बात है। क्या कोई मंत्री बनने के लिए, इस देश का किसी भी मंत्रालय को संभालने के लिए, क्या पर्टिकुलर एक धर्म का जाति का होना चाहिए क्या? बार बार वो कह रहे हैं कि मैं मुसलमान नहीं हूं, इसलिए मुझे नहीं बोलना चाहिए। ये बहुत गलत बात उन्होंने कहा, मैं इसका आपत्ति दर्ज करना चाहता हूं। सर, बोला। इसलिए सर, इस बिल को इस सदन में रखते समय मुझे बहुत ही खुशी तो मिल रही है, साथ साथ में एक भावना भी है मेरे मन में कि एक नॉन मुस्लिम, मैं खुद माइनॉरिटी हूँ, नॉन मुस्लिम हूँ, लेकिन मुसलमानों का वेलफेयर के लिए ये बिल रखने का मौका मिला है, ये मेरे लिए एक सौभाग्य की बात है। आदरणीय प्रधानमंत्री जी का आशीर्वाद से इतना एक भला काम करने का जो मौका मिला है, ये हर आदमी को ये मौका नहीं मिलता है, इसलिए मैं अपने आप को मैं बहुत ही भाग्यवान मानता हूँ, क्योंकि हर रोज हम लोग काम करते हैं, इस सदन में बैठ करके 12 बजे तक रात तक हम लोग डिबेट डिस्कशन करते हैं।